हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस अगेन सो माय डियर स्टूडेंट्स टुडे आई विल टीच यू द सेकंड क्लास ईवीएस सो वी विल बिगिन विद द चैप्टर नंबर वन इट इज़ हियर दिस इज़ द चैप्टर अबाउट मी यानी मेरे विषय में या अपने बारे में यहाँ पर जो भी आप हमें बताना होता है वो बताएंगे लेट्स वार्म अप ये एक एक्टिविटी है सबसे पहले इसमें हम अपने फेवरेट्स और आई डोंट लाइक जो हम लाइक नहीं करते उनके बारे में बताना है या हमारे जो फेवरेट हैं इसमें आप अपनी चॉइस से भी कुछ भी लिख सकते हैं

आर बॉडी हैज डिफरेंट पार्ट्स हमारे शरीर में अलग अलग भाग होते हैं अलग अलग अंग होते हैं दे इबल्स टू डू डिफरेंट थिंग्स वह हमें अलग अलग चीज़ों को करने के लिए एबल बनाते हैं दो पार्ट्स दैट वी कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन ऐसे बॉडी पार्ट्स ऐसे शरीर के अंग जो जिन्हें हम आँखों के द्वारा देख सकते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल ऑर्गन या बाहरी अंग बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन कैन यू लेवल दीज एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या आप इन एक्सटर्नल ऑर्गन्स को लेबल कर सकते हैं देखिए यहाँ पर तो मैंने लिख रखा है ये आपको होमवर्क में करना है फिल जो भी करना है ये आपको होमवर्क में फिल करना है ठीक है बच्चों ये आपको एज इट इज़ फिल करना है जो भी मैंने यहाँ पे फिल कर रखा है बाद में आप इसको लर्न करेंगे ओके नाउ वेलकम टू द नेक्स्ट पेज हियर ऑल्सो वन एक्सरसाइज हैज़ गिवन ट्राई इट योर सेल्फ यानी इसे आप अपने आप करने की कोशिश कीजिए लुकेट द पिक्चर्स गिव एन बिलो नीचे दी गई पिक्चर्स को देखिए राइट द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स बींग यूज इसके अंदर जो भी शरीर के भाग यूज हो रहे हैं उन्हें हमें यहाँ पर मैंशन करना है ये बच्चा पढ़ रहा है सो ही इज यूजिंग हिज आइज फूल को सूंघ रहा है नोज लेग्स के द्वारा रन कर रहा है लेग्स एंड टंग के द्वारा टेस्ट कर रहा है इट मीन्स टंग ओके ना वेलकम टू द नेक्स्ट टॉपिक आर हैंड्स हेल्प टू राइट एंड होल्ड थिंग्स हमारे हाथ जो है हमें चीज़ों को हमारे हाथ जो है हमें लिखने या चीज़ों को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं अपने हाथों का वी कैन बैंड आर आर्म्स एट द एल्बो और कोहनी से हम अपने भुजाओं को मोड़ भी सकते हैं है ना कोहनी से हम मोड़ लेते हैं अपने हाथों को आर legs एंड फीट हेल्प us टू वॉक एंड रन हमारे पैर जो हैं हमें चलने में और भागने में मदद करते हैं वी कैन बैंड आर लैक्स एट द नी और अपने पैरों को हम कहाँ पर मोड़ सकते हैं बच्चों घुटनों पर नेक्स्ट है आर नेक सपोर्ट्स आर हेड हमारी गर्दन जो है हमारे सिर को सपोर्ट करती है है ना इट ऑल्सो कनेक्ट्स द हेड टू द चेस्ट और ये हमारे सर को हमारे सीने से यानी हमारे धड़ से जोड़ कर रखती है नेक्स्ट <coughs> देखेंगे हम सेंस ऑर्गन्स वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन सेंस ऑफ हियरिंग स्मेलिंग टचिंग टेस्टिंग सींग ये सारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं हमें इन चीज़ों में मदद करते हैं सेंस ऑर्गन कौन कौन से यहाँ पर देखेंगे द फाइव सेंस ऑर्गन आर आइज ईयर्स नोज टंग एंड स्किन स्किन जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है हेल्प अस टू सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन ये सारे जो सेंस ऑर्गन्स से हैं ये सबसे पहले हमारे ब्रेन को मैसेज भेजते हैं देन आर ब्रेन गेट्स मैसेज एंड इट tells टेल्स अस टू वो टू डू और ये ब्रेन ही हमें बताता है कि हमें क्या करना है जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी मान लीजिए आपने किसी गर्म चीज़ को छू लिया हो तो फ़ौर से आप पीछे हाथ हटा लेते हैं ज... लेकिन आप पीछे हाथ तब तो हटाते हैं जब आपका माइंड आपको बताता है कि ये चीज़ गर्म है है ना या ये चीज़ ठंडी है तभी आपका माइंड आपको जैसे ही बताएगा कि हाँ ये चीज़ ठंडी है अगर इतने जल्दी मैसेजेस भेजता है हमारा सेंस ऑर्गन हमारे माइंड को कि हम फौरन अपना हाथ हटा लेते हैं ओके इसी प्रकार से हमारी आँखें हैं हमारे कान हैं हमारी नोज़ है कितनी भी दूर की आवाज़ें होंगी या कितनी भी दूर की स्मेल होगी हमारी नाक वगैरह सब को पता चल जाता है बिकॉज दे आर द वेरी स्ट्रांग सेंस ऑर्गन्स इसके बाद आएंगे नीचे हम सींग विद आईज आंखों के द्वारा देखना वी सी विद आर आइज हम अपनी आंखों से देखते हैं वी कैन सी डिफरेंट कलर्स शेप्स एंड साइज हम अलग अलग शेप्स देख सकते हैं आकृतियाँ कलर्स देख सकते हैं साइज देख सकते हैं हियरिंग विद ईयर्स कानों के द्वारा सुनना वी हीयर विद आर ईयर्स वी कैन हीयर लाउड एंड सॉफ्ट साउंड हम तेज़ और हल्की आवाज़ सुन सकते हैं प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड और अच्छी और बुरी आवाज़ें भी हमें सुनाई देती हैं नाउ स्मेलिंग विद नोज वी स्मेल विद आर नोज हम अपनी नाक के द्वारा सूंघते हैं वी कैन स्मेल अरोमाज एंड फ्यूम्स हम अपनी नाक के द्वारा अच्छी अच्छी खुशबू और अच्छी अच्छी जो खुशबू हैं वो सूंघते हैं ए स्मेल कैन बी गुड और बैड एक स्मेल जो है खुशबू जो है अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है We also breathe through our nose. हम अपनी नाक के द्वारा सूंघते हैं बच्चों जो अच्छी खुशबू होती है उसे fragrance बोलते हैं और जो bad होती है उसे smell बोलते हैं बोलते हैं ना किसी चीज़ की अगर हमें किसी चीज़ की खुशबू आती है तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें किसी चीज़ की स्मैल आ रही है स्मैल हमेशा हम बुरी खुशबू के लिए यूज़ करते हैं ठीक है इवन और जो हम अच्छी खुशबू आती है जो उसे हम फ्रेगनेंस बोलते हैं ओके ये डिफ्रेंस है इन दोनों में ना वेलकम टू द नेक्स्ट पेज टचिंग विद स्किन टचिंग विद स्किन स्किन को के द्वारा टच करना या स्किन के द्वारा जो भी महसूस होना होल बॉडी इज कवर्ड विद द स्किन इट इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ये हमारा सबसे बड़ा शरीर जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है वी कैन टच एंड फील हॉट कोल्ड स्मूथ एंड रफ सॉफ्ट एंड हार्ड वेट एंड ड्राई थिंग्स हम इसके द्वारा गर्म ठंडा कोमल हार्ड यानी रफ खुरदरा सॉफ्ट हार्ड वेट गीला या ड्राई चीज़ों को महसूस करते हैं यहाँ पर देखेंगे अफेक्ट आर फिंगर नेल्स ग्रो फोर टाइम्स फास्टर देन आर टो नेल्स हमारे हाथों की उंगलियों के नाखून जो हैं वो चार गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं हमारे पैरों की उंगलियों के अपेक्षा ये कैसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज है <coughs> नीचे देखेंगे टेस्टिंग विथ यानी टंग के द्वारा टेस्ट करना ये हमारा सेंस ऑर्गन है वी कैन टेस्ट विद आर टंग इज कवर्ड विद टिनी बम्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड हमारी टंग जो है वो छोटे छोटे टिनी बम्स के द्वारा कवर्ड होती है जिन्हें टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं टेस्ट बर्ड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑन द टंग टेस्ट डिफरेंट थिंग्स हमारे जीप पर जो छोटे 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 छोटे, छोटे दाने होते हैं वो हमारे जीप में अलग अलग टेस्ट को बताने के लिए होते हैं अंदर अंदर की तरफ अलग टेस्ट होता है बाहर की तरफ अलग दोनों साइड्स में अलग टेस्ट होते हैं जब कोई चीज़ कड़वी होती है तो हमें जीव के आगे हिस्से से हम कभी नहीं पता चलती हमेशा पिछले हिस्से से पता चलती है जब भी हम कोई दवाई पीते हैं तब भी हमें पिछले हिस्से से पता चलते हैं कि इसकी, इसकी ये टेस्ट में कड़वी है कैसी है वी कैन टेस्ट स्वीट सॉल्टी सो बेटर थिंग्स हम मीठा नमक का खट्टा और कड़वी चीज़ें जो है टेस्ट के द्वारा ही महसूस करते हैं आर टंग ऑल्सो हेल्प अस टू टॉक एंड मेक साउंड्स हमारी जीव जो है हमें साउंड्स <coughs> प्रोड्यूस करने में या फिर बात करने के लिए भी यूज़ करते हैं किसी की अगर जीप में दिक्कत हो तो उसे बोलने में भी दिक्कत होती है है ना इसीलिए हमारी जीप का रोल जो है वो हमारी टंग का रोल जो है वो बात करने में भी होता है इसके बाद आएंगे हम यहाँ पर स्वीट थिंग्स के एग्जाम्पल हैं चॉकलेट्स आइसक्रीम सोर थिंग्स के हैं टर्म और लेमन सॉल्ट एंड स्पाइसी थिंग्स में हो गया चिप्स या स्नैक्स एंड बिटर थिंग्स में हमारा जो है ये बिटर गॉड हो गया ठीक है इसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट पर अपने यहाँ पर देखेंगे टेकिंग केयर ऑफ़ आर बॉडी टेकिंग केयर ऑफ ऑफ आर बॉडी यहाँ पर देखेंगे वी शुड ब्रश आर टीथ ट्वाइस ए डे हमें एक दिन में लगभग कितनी बार ब्रश करना चाहिए लगभग दो बार हमें ब्रश करना चाहिए नंबर टू वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे हमें रोज़ स्नान करना चाहिए नहाना चाहिए नंबर थ्री वी शुड ट्रिम आर नेल्स रेगुलरली हमें अपने नाखूनों को निरंतर रूप से उन्हें कट करना चाहिए एटलीस्ट वीक में एक बार हमें अपने नाखूनों को कट करना चाहिए नेक्स्ट है वी शुड ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड हमें क्लीन और हेल्दी साफ सुथरा और हेल्दी भोजन करना चाहिए नेक्स्ट वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे हमें रोज़ एक्सरसाइज करने चाहिए नेक्स्ट वी शुड सिट वॉक एंड स्टैंड विथ करेक्ट पोस्चर हमें बिल्कुल सही पोस्चर में बैठना चाहिए यह नहीं है कि हम लेट के खाना खाएं या लेट कर पढ़ाई करें सही पोस्चर में बैठकर सही काम करने चाहिए वी शुड नॉट शाउट इन टू एनी वंस ईयर हमें किसी भी के इंसान के कान में चिल्लाना नहीं चाहिए वी शुड वियर क्लीन क्लोथ हमें हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए यहाँ तक आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है और इसके दौरान आपने बहुत सारी एक्सरसाइज भी की हैं हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे हम टुडे आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर

डू यू ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली समाइम्स कभी कभी भूल भी जाते हैं ना सो so, समाइम्स लिखेंगे यहाँ पर नंबर सिक्स डू यू सिट वॉक एंड स्टैंड विथ करेक्ट पोस्ट और समटाइम लिखेंगे क्योंकि कभी कभी हम सही से बैठते भी नहीं हैं है ना नेक्स्ट डू यू ऑलवेज ईट हेल्दी फूड क्या आप हमेशा हेल्दी भोजन करते हैं ऑलवेज हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा हेल्दी खाना ही देते हैं नेक्स्ट पर आएंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आएंगे टिक द करेक्ट ऑप्शंस वी शुड ट्रिम आर नेल्स हेयर आंसर इज नेल्स वी शुड ब्रश आर टीथ ट्वाइस डेली थ्री द क्लोथ वी वीयर शुड बी क्लीन नंबर फोर टेस्ट बर्स आर प्रजेंट ऑन द टंग कहाँ पर होते हैं टेस्ट बर्स हमारे टंग पर होते हैं नेक्स्ट पेज पर आएंगे बच्चों हम फिल इन द ब्लैंक्स इन द ब्लैंक्स नंबर वन यहाँ पर जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं उनको हमें जम्बल्ड करना है ओके okay? उनको सही से लिखना है वी शुड सिट वॉक एंड स्टैंड विथ करेक्ट पोस्टर बच्चों ये आपको बिना ऑप्शन के लर्न करने हैं ऐसे भी आ सकते हैं आवर टंग हेल्प अस टू टॉक नंबर थ्री वी कैन बैंड आर लैक्स एट द नी नंबर फोर आर नेक कनेक्ट्स द हेड टू द चेस्ट इसका आंसर होगा नेक नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आएंगे नेम वन थिंग विच इसमें एक चीज का एग्जाम्पल देना है जो भी इसके अंदर आती है नंबर वन इज रफ रफ क्या होता है वुड नंबर टू हार्ड इज हार्ड स्टोन लिख सकते हैं नंबर थ्री हैज अ गुड स्मेल फ्लार नंबर फोर मेक अ सॉफ्ट साउंड फ्लूट बांसुरी की आवाज सॉफ्ट साउंड में आती है <coughs> इसके बाद आएंगे नंबर फाइव पर इज स्मूथ फेदर इज सॉफ्ट कॉटन बॉल ज ए बेड स्मेल ऑनियन एंड मेक अ लाउड साउंड डोरबैल तेज आवाज किसकी होती है हमारी डोरबैल की होती है नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन वॉट आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स बाहरी अंग क्या होते हैं या एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं आंसर देंगे यहाँ पर दोज बॉडी पार्ट्स डेट वी कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स एग्जाम्पल आइज नोज ई ईर्स कोई भी अंग आप लिख सकते हैं जो आपको दिखाई देता है अपने शरीर का या किसी के भी शरीर का नेक्स्ट है हमारा वॉट आर टेस्ट बर्ड्स देखेंगे यहाँ पर आर टंग इज कवर्ड विद टिनी बम्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स हमारी जो टंग होती है उस पर छोटे छोटे टिनी बम्स होते हैं उन्हें टेस्ट बर्ड्स कहते हैं नेक्स्ट देखेंगे हम आंसर नंबर थ्री राइट टू वेज इन विच यू कैन टेक केयर ऑफ योर बॉडी आप ऐसे दो उदाहरण बताइए या तरीके बताइए उपाय बताइए जिसके द्वारा तो अपने शरीर की देखभाल कर सकते हैं नंबर वन वी शुड टेक अ बाथ एवरीडे एंड वी शुड वीयर क्लीन क्लोथ डिटेक्ट ऐसे चार टेस्ट के नाम बताइए जो आपकी टंग जो है पहचान सकती है स्वीट सोर सॉल्टी बिटर क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट डज योर स्किन हेल्प यू टू फील आपकी स्किन आपको क्या फील करने में मदद करती है अभी आपको मैंने समझाया था पीछे आवर स्किन हेल्प अस टू फील कोल्ड स्मूथ रफ सॉफ्ट हार्ड ड्राई एंड वेट थिंग्स और गीली चीज़ें भी महसूस कराती है ये सारी चीज़ें हमें महसूस कराती है अब बच्चों हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे अपने खोलेंगे सारे बच्चे नेक्स्ट पेज दिस इज़ अ फन एक्टिविटी दिस इज अ फन एक्टिविटी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सॉल्व द क्रॉस वर्ड पर्जल गिवेन बिलो यूज द क्लू यहाँ पर हम सारा फिल करेंगे स्किन फिंगर और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो नीचे हैं एक बात बता दूँ मैं बच्चों आपको ये क्वेश्चंस जो हैं अलग से भी आ जाते हैं कई बार बिना पजल के भी तो उसके आंसर्स आपको देने होंगे एग्जाम में आ जाते हैं सबसे पहले टू दे हेल्प यू टू वॉक वो आपको चलने में मदद करती हैं लेग्स दे हेल्प टू स्मेल ये हमें स्मेल करने में मदद करती है तो ये आएगा हमारा नोज़ नंबर फोर दिस बॉडी पार्ट है योर नोज आइस एंड लिप्स इसके अंदर सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं फेस इट्स इज इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेंस ऑर्गन ये क्या है स्किन ये हमारा डाउन वाला तो हो गया अब हम एक वाला देखेंगे यहाँ पर दिस वन यू हैव फाइव ऑफ दिज ऑन ईच हैंड फाइव होती हैं हर हाथ में फिंगर्स दीज मूव एज यू स्पीक ये मूव करते हैं जब आप बोलते हैं दीज आर लिप्स दिस हेल्प यू टू टर्न योर हैड यह आपको सर हिलाने में मदद करते हैं दिस इज नेक ओके सो दीज वर द्रॉसवर्ड पर्जन नाउल सी दॉट्स राहुल प्लेज वीडियो गेम एवरी डे राहुल रोज वीडियो गेम खेलता है इज इट अ वे टू कीप हिज बॉडी फिट एंड हेल्दी क्या ये सही तरीका है उसकी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने का नो आंसर इज नो ओनली नो यू हैव टू राइट क्योंकि फ़ोन पर गेम खेलना एक अच्छा तरीका नहीं है बॉडी को फिट रखने का बॉडी को फिट रखने के लिए हमें घर के बाहर खेलना चाहिए आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए क्रिकेट बैडमिंटन लाइक दिस वी कैन प्ले आउटडोर गेम्स देन वी कैन बी हेल्दी और फिट ओके बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है इससे आगे का चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी तब तक आप इसको लर्न करेंगे वर्क कंप्लीट करेंगे एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट फॉर द यूनिट टेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनिट टेस्ट तब तक आप अपने घर में सुरक्षित रहेंगे ओके थैंक यू